दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। वापस आई हूँ ये जेंडर प्रेडिक्शन की वीडियो लेकर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियो बनाइए। जिस तरह से आपने मेरे पिछले वीडियोस में इतना ज़्यादा प्यार दिया, उम्मीद करती हूँ कि इस पूरी जेंडर प्रेडिक्शन की सीरीज़ में भी आप उतना ही प्यार बरसाइएगा। क्योंकि देखिए, जेंडर प्रेडिक्शन हो या पूरी प्रेगनेंसी हो, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, एक नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और मुझे एक नहीं बल्कि दो दो प्रेगनेंसी का अनुभव है। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि मैं एक ट्विन मॉम हूँ, मुझे लड़का भी है और लड़की भी है, लेकिन ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जिसमें मुझे एक बेबी बॉय हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। तो उस प्रेगनेंसी का भी अनुभव मेरे पास है और इस प्रेगनेंसी का भी है। तो चाहे वो जेंडर प्रेडिक्शन ही क्यों ना हो या फिर प्रेगनेंसी का कोई भी एस्पेक्ट क्यों ना हो, एक्सपीरियंस के आधार पर या बहुत लोगों से बातचीत करके जो भी आउटकम मुझे मिलता है, जो भी रिज़ल्ट मुझे मिलता है, वही मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। तो सिमिलरली, अगर आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर करना चाहते हैं, आपकी प्रेगनेंसी अलग होगी, आपकी कुछ कहानियाँ अलग होंगे, तो अगर आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेल ज़रूर करिए, और आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी मैं वीडियोस बनाकर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हर प्रेगनेंसी से कुछ ना कुछ लोगों को सीखने ही मिलता है, और जब तक आप नहीं चाहिएगा, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, और ये पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंशियल मेल होगा जिसको मैं पर्सनली चेक करती हूँ। अगर आप मेल करते हैं तो बेशक इस चीज़ का आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप नहीं चाहिएगा आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। तो अगर आप नाम डिस्क्लोज कराना चाहते हैं तो वहाँ पर मेंशन ज़रूर कर दीजिए कि मैडम, मेरा नाम चैनल पे इस वीडियो पे लिया जाए, मेरी कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, मे बी आपकी एक्सपीरियंस से किसी और का भला हो जाए, मेरे एक्सपीरियंस से किसी और का भला हो जाए। तो इस सीरीज़ को आप उतना ही प्यार दीजिए जिस तरह के आपके अपने सारे वीडियोस को दिया है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे दो प्रेगनेंसी का अनुभव है, तो इस बार मुझे एक बेटा और बेटी हुए, और उस बार मुझे एक बेटा था। पहले प्रेगनेंसी और अब वाली प्रेगनेंसी में जो एक कॉमन चीज़ थी वो था, मुझे फूड क्रेविंग्स के बारे में बात करेंगे आज। कि फूड क्रेविंग्स में पहले भी मुझे सॉल्टी और चटपटा खाने का बहुत इच्छा करता था जब मैं प्रेग्नेंट थी, और इस बार भी फूड में अगर देखा जाए तो चटपटा और सॉल्टी खाने का जो नतीजा होता है, एज अ रिज़ल्ट अगर बात की जाए, तो वो एक सिम्टम होता है कि आपको बेबी बॉय होगा। और बहुत सारे बिहारी लोग जानते होंगे माड़ भात क्या होता है, लेकिन मैं जो अदर देन बिहार से हैं उनको मैं बता दूँ कि जब चावल को पकाया जाता है उसके बाद उसका स्टार्च निकाला जाता है, तो वो बचा हुआ जो स्टार्च का वाटर होता है उसे माड़ कहते हैं। और माड़ को उस चावल के साथ, पके हुए राइस के साथ अगर खाया जाए नमक वमक मिला के, तो माड़ भात खाने का भी सिम्टम्स कुछ इंडिकेशन है कि बेबी बॉय होगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये बहुत सटीक बैठा है। आपके साथ भी हुआ है कि नहीं, इसका आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आपके साथ कितना सही हुआ है। लेकिन हाँ, बेबी गर्ल के साथ आपकी फूड क्रेविंग क्या रहती है? जिस तरह से सॉल्टी और चटपटा खाने से आपको बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं, सिमिलरली आपको अगर मीठा खाने का मन है, बहुत ज़्यादा अगर मीठा के प्रति क्रेविंग्स आपकी ज़्यादा हो रही है, अब नॉट ओनली कि आप मिठाइयाँ ही खाओ, बल्कि फ्रूट का जो मिठापन होता है, मलाई, जैसे दूध का मलाई है तो उस मलाई को खाते, या दही में भी हल्का मीठापन जो है, अगर आपको उस तरह की स्वीटनेस पसंद है, या फिर आपको चॉकलेट का मिठापन पसंद है, तो इससे एक इंडिकेशन होता है कि आपके घर एक प्यारी सी लक्ष्मी आने वाली है। लेकिन डिपेंड करता है कि सारे लोगों की प्रेगनेंसी अलग अलग है, तो आपके साथ क्या सूट करता है वो सब अलग अलग लोगों के साथ सब कुछ अलग अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ यही मैच किया तो आपके साथ भी करे, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने ये चीज़ डिस्कस की, अराउंड 90 से 95% लोगों ने ये चीज़ें कॉमनली बताई। तो होप आपको फूड क्रेविंग्स के बारे में ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह मैं अगली सीरीज़ में भी, जो अगली वीडियो आएगी वो आप ज़रूर देखिएगा, वो भी जेंडर प्रेडिक्शन के ही ऊपर होगी, और अपनी पहली प्रेगनेंसी और अब वाली प्रेगनेंसी भी आपको थोड़ा एज अ कंपैरेटिव आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या चीज़ मैच हुआ और क्या चीज़ मैच नहीं हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा,
और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इतने अच्छे कमेंट्स और इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार करते हैं जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।